हाय, आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ 5 उद्देश्यों को व्यक्त करने के तरीकों के विषय में। हम उसके विषय में बात कर रहे थे, हमने देखा कि 5 उद्देश्य क्या है। हमने ये भी देखा कि कलीसिया में सबको ये जानना जरूरी क्यों है कि 5 उद्देश्य क्या है, और इस बारे में आप एक क्लास में इसे सिखा कर इसे भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि निरंतर रूप से जब आप अपनी कलीसिया में या अपने समाज में इन बातों को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उद्देश्यों को निरंतर व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं ताकि इसके द्वारा हर कोई सीख सके हर स्तर पर। मैं आपको 5 तरीके देना चाहता हूँ। यही सिर्फ 5 तरीके नहीं है, हो सकता है आपके पास में और भी तरीके हो, लेकिन ये 5 है। पहली बात कि नारा इस्तेमाल करे। जब नारी या कथन का इस्तेमाल करते हैं, ये मानो ऐसा है कि जैसे आप लोगों को उन उद्देश्यों के प्रति लगातार याद दिलाते जा रहे हो। जैसे कि उदाहरण, मेरे कलीसिया में मैं इस्तेमाल करता हूँ, यीशु को प्रेम करे, यीशु के समान प्रेम करे, यीशु को प्रेम करे, उसके समान प्रेम करे, प्रभु के साथ का संबंध, लोगों के साथ का आपका संबंध। और ये मानो सभी बातों को एक साथ जोड़े रखती है, जैसे कि महान आज्ञा और मुख्य आज्ञा होती है। तो हम नारा इस्तेमाल करते हैं। आप खुद बना सकते हैं या ऑनलाइन आप पा सकते हैं, जो कुछ उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नारा हमेशा छोटा होता है। तुरंत ही इसे आप बारंबार बोलते रहते हैं, आप अपने संदेश में अपने प्रचार में इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा लोग लगातार इस बात को याद करते रहते हैं, ये मानो स्मरण की बात हो। और दूसरी जो बात है वो है प्रतीक। प्रतीक अच्छे होते हैं क्योंकि वे शब्द नहीं, वे तो चित्र है, और चित्र ये तो शब्दों से बेहतर होते हैं। आप शब्द याद कर सकते हैं, लेकिन एक चित्र एक अर्थ को लेकर चलता है। आप चित्र निकाल सकते हैं या टेबल पर कहीं रख सकते हैं, व्हाट्सएप आईडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं भिन्न रीति से, और तुरंत ही आप इस बात को जानना शुरू कर देंगे उस सेवकाय को, उस कार्य को या उस उद्देश्य को। और इसीलिए मेरा तो एक मित्र है जो कि रहता है रशिया मास्को में, उसने अपने ही प्रतीक बनाए है उसकी कलीसिया के लिए, और कुछ असली भी है जो इस्तेमाल किए हैं पास्टर रिक वॉरेन और अन्य लोगों ने, और ऐसे भी है जिन्होंने उनके लिए डिज़ाइन की है। तो आप भी कर सकते हैं, और ऐसी कोई बात जो आप करना चाहते हैं, अगर आप बयान करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। हम बात करें 5 उद्देश्यों के विषय, तो हर एक उद्देश्य के लिए एक किसी आइकॉन या ग्राफिक का इस्तेमाल किया, वो चिन्ह, हाँ यही तो है वो आराधना, और यही तो प्रचार है। और ये तो मानो ऐसा है आप हमेशा याद दिलाते रहते हो सभी 5, और आप खत्म नहीं हुए हैं, किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इसी के विषय बात तो है, संतुलन के विषय। नंबर 3, निश्चित ही ये वचन है, हर एक इतवार, हर एक छोटा झुंड और हर एक वचन समय को सिखाते हैं। आप लगातार एक ही बात पर हथौड़ा मारते जा रहे हो, और आपका जो सामान है हम पास सिद्धांत करते हैं, निश्चित करें कि आप संतुलन रखेंगे। उद्देश्य के हद में रहकर वचनों की शिक्षा को देना पूरे साल भर, तो आपके पास है नारा, यीशु से प्रेम करो, उसके जैसा प्रेम करो, आपके पास में व्याख्या, आपके पास में वचन है, कहानियां इसे पूरा करने का चौथा भाग है, स्टोरी है, इसका शब्द है गवाही के लिए। आप भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों में, चाहे आराधना, सुसमाचार हो, शिष्यता या संगति, लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें गवाही देने दे जब प्रभु इस्तेमाल करे। जब कलीसिया खत्म होती है तो आप कहते हैं वो शब्द आराधना के ऊपर में एक गवाही, वो ये तो सुसमाचार की गवाही थी, और आप निरंतर रूप से उन 5 चीजों पर हथौड़ा चलाते हो कि निश्चित हो। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहानी को बताएंगे या कहानी को लिखेंगे, हम कहानी का इंतजार करें और लाइट को खोलते हैं। मेरा मतलब इंस्टाग्राम ने भी उसे पता कर लिया है, अब इसे कहानियां बुलाते हैं, और उन्होंने उसे वहां पर रखा। हर किसी को व्याख्याकर्ता के सामर्थ्य का अंदाजा है, कहानी की सामर्थ्य के विषय में भी। ये है 4 नंबर, और अंततः हर किसी को संख्या पसंद है, तो विशेषता आपका जो है वह 5वां नंबर, सटीकता का मतलब लोगों को देखकर कहते हैं इतने सारे लोग, मैं शामिल हो रहा हूँ उन कलीसिया में और छोटे झुंड है, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, कितने सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। सटीकता हमें मदद करती है, उन 5 उद्देश्यों को लेकर आप इस तरफ मुड़ सकती है, और जब आप देखते हैं और परखते हैं वो सत्यता या गिनती या और ये सचमुच में उसके साथ में जुड़ जाता है और क्षेत्र में, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपको सभी बातों का पता करवाना है, लेकिन मदद करता है हमारे जो भिन्न भिन्न उद्देश्य है, हर एक उद्देश्य में असल में क्या हो रहा है, ये आपको भी समझ देता है, और ये परीक्षाओं में भी आपको मदद करता है। हर एक 5 उद्देश्यों के लिए एक समान ध्यान दिया गया है, और उस संख्या और बाकी सही बातें सही स्थिति में है, तो हम उसका याद करें, 5 कदम चले। आप चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर से वचन सुनेंगे, आप कहानी को अपने बाइबल या फिर किसी कथन में शामिल कर लेते हैं, और फिर अंततः आप सटीक बताते हैं, सटीक भी उसमें शामिल होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ ये थे, आप मुझे लिख सकते हैं अगर इसके विषय में प्रश्न है, और भिन्न भिन्न तरीके जिससे आप उद्देश्यों को व्यक्त कर सकते हैं, और मैं तो इनमें हमें उनको कुछ खिलाकर उनसे सीखते हैं।
हम अपनी ही कलीसिया में इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखेंगे कि कैसे चलता है। कमेंट करें या मुझे लिखें, आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं और कैसे आप अपने लोगों के बीच में उद्देश्यों को लेकर जाए। ठीक है।